एंड मॉम कांचन। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों के कपड़े लेने के लिए, एक्चुअली दिवाली के कपड़े। और जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, इसके मामा की शादी है, मतलब मेरे भाई की शादी है, छोटे भाई के शादी के लिए भी ले लेंगे और अभी दिवाली के लिए भी ले लेंगे बच्चों के लिए। तो वही लेने जा रहे हैं अभी, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो डीमार्ट भी चले जाएंगे। डीमार्ट का सामान भी आज ही लेके आएंगे, और कुछ सामान लेना हो तो वो भी लेके आएंगे, मतलब साथ में ही शॉपिंग करेंगे। सारे जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं पहले, और उसके बाद जो भी होगा आप आगे देख लीजिए। सबसे पहले ना हम लोग बच्चों के लिए कपड़े ही लेने आए थे, शॉप में ही आए थे। तो बच्चों को अगर ले लेते हैं ना बच्चों के लिए, तो दिल को तसल्ली मिल जाती है उनके, फिर वो चुपचाप से बैठ जाते हैं। तो उनके लिए लेने आए थे, और यहाँ पर अद्विक के देख रहे थे कपड़े। अद्विक के अगर हो जाए ना तो माही के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसी वजह से अद्विक के पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद माही के देख लेंगे। तो यहाँ पर माही का एक ही ड्रेस मिला था, माही के ड्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा हमें, बहुत ज़्यादा देखना पड़ा माही का ड्रेस। तो तब जाके हमें जो दूसरा माही का ड्रेस है शादी के लिए जो लेना था हमें, वो मिला है। माही का ड्रेस ना मिल ही नहीं रहा था यार, जैसे मुझे चाहिए था। मैंने ना एक इमेज मतलब तैयार करके रखी थी कि मुझे ऐसा ही चाहिए माही के लिए ड्रेस, तो उसी टाइप में सिमिलर ड्रेस मिल गया है माही के लिए। तो मैं वो आपको बाद में दिखा दूँगी माही की शॉपिंग। और ये जो शॉपिंग है वो अद्विक के लिए हो रही है, तो अद्विक का भी ड्रेस देख लिया था हम लोगों ने, और माही का ड्रेस देख लिया, ऐसे दिखा रहे थे ना, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक ड्रेस हमने यहाँ से लिया है, एक ड्रेस इनकी इनको और मुझे पसंद आया था, तो वो दिवाली के लिए हम लोगों ने ले लिया उसके लिए। और फिर आ गए थे हम लोग यहाँ पर, ये बहुत ही बड़ा शॉप है हमारे यहाँ पे तांबे पीतल के बर्तनों के लिए, मतलब होलसेल रेट में यहाँ पे अच्छे खासे कम रेट में मिल जाता है। कम रेट में मीन्स मार्केट से कम ही रेट में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ा शॉप है, और तांबे पीतल के बर्तन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और हर वेराइटी के आपको बर्तन यहाँ पर मिल जाते हैं। और भगवान के बर्तन तो बहुत अच्छे, मतलब भगवान के बर्तन भी और भगवान भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत वेटेड मिलते हैं। तो मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देख रही थी मेरे मंदिर के लिए, तो मुझे ना एक साइज़ की मिली नहीं रही थी। मुझे जैसे कि ये गणपति मैंने इस साइज़ का देखा, तो मुझे इसी साइज़ की लक्ष्मी की मूर्ति चाहिए थी, इसी साइज़ की मुझे कृष्ण की मूर्ति चाहिए थी, तो ऐसे मुझे तीन मूर्तियाँ चाहिए थी। तो मुझे गणपति तो उस साइज़ के मिल गए, बट मैंने गणपति भी नहीं लिए बाद में, जैसे कि मुझे एक साइज़ की ही चाहिए, तो मैंने सोचा चलो बाद में मतलब ले लेती हूँ इसको, मतलब तीनों भी मूर्तियाँ बाद में ले लूँगी, एक साथ ही ले लूँगी तीनों भी मूर्तियाँ। मैंने अभी वो मूर्तियाँ रहने दी, और उसके बाद मैंने ना एक गाय और बछड़ा लिया, और इसके बाद दो समैयाँ ली, तो ऐसे करके मैंने लिया आज के दिन। और एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे धनतेरस के दिन ऐसी ख़रीदारी करते हैं, बट धनतेरस के दिन तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इसी वजह से एक्चुअली अभी निकल चुके थे हम लोग घर से, तो अभी हम लोग मैंने सोचा कि चलो आज ही कर लेते हैं सारी शॉपिंग। मैं देख रही थी कुछ कुछ हमने घर के लिए, बट घर के लिए जो चाहिए था मुझे वो तो मुझे मिला नहीं, मतलब मंदिर के लिए ही चाहिए था, बट मंदिर के लिए तो नहीं मिला मुझे यहाँ, तो मैं उतना ही सामान लेके आई, और उसके बाद फिर और जाऊंगी लेने के लिए जो मुझे चाहिए वो। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर है यार, ऐसे टाइप का मुझे लेना है, बट थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो यहाँ पर मैंने मूर्तियाँ देखी थी, ये देखिए लक्ष्मी की मूर्तियाँ देखी थी, बट उस साइज़ में मिली नहीं रही थी, ये साइज़ में मिल रही थी, मतलब इस हाँ ये बड़ी थी, और जो गणपति का साइज़ देखा था मैंने उस टाइप से चाहिए थी मुझे वो साइज़ की, बट उस साइज़ की मिली नहीं यार, एक साइज़ की चाहिए थी सब कुछ मूर्तियाँ। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे यार, और इतनी ज़्यादा वेटेड है ना मूर्तियाँ, मुझे सेम टू सेम ऐसी लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहिए। बट ये आपको कैमरा में छोटी लग रही है, बट बहुत बड़ी थी ये वाली मूर्ति। और इस टाइप का गाय बछड़ा मैंने लिया है छोटा सा, तो हमारे यहाँ पे ना गाय गोरी की बारस बोलते हैं, उस दिन बारस के दिन ना वो होता है, पूजा होती है गाय और बछड़े की, तो इसी वजह से गाय और बछड़े की मूर्ति चाहिए थी मुझे, तो ये मैंने ली है छोटी वाली। और ये ना कैमरा में इतनी छोटी छोटी लग रही है, बट इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं ना ये, मतलब आपको क्या बताऊँ, बहुत बड़ी बड़ी, और वेटेड भी इतनी ज़्यादा वेट है उसका, मतलब जैसे कि 2000-3000 ऐसे की मूर्ति है। तो ये भी कृष्ण और वो चाहिए था मुझे वैसे, तो वो मैं बाद में लेके आऊँगी। तो ये मैंने गाय और बछड़ा लिया है,
तो ये बहुत सुंदर लगा मुझे, एक्चुअली लेना ही था मुझे। पिछले साल भी मैंने सोचा था, बट पिछले साल भी ऐसे ही जाना नहीं हुआ, और इस साल भी अभी सोचा है तो मैंने सोचा चलो बाकी का तो नहीं हुआ बट ये ले लेते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी है यार, बहुत अच्छे अच्छे सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ना पिछले साल के, पिछले साल मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी ऐसे पीतल के बर्तनों की, तो वो तो आपके साथ शायद शेयर की थी मैंने या नहीं की थी वो तो नहीं पता मुझे। जो मेरे सीढ़ियों पे नहीं रहता है उसमें मैं प्लांट्स रखती हूँ आर्टिफिशियल वाले, वो भी मैंने यहाँ से ही परचेस किया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि वो मैंने ऑनलाइन लिया था या कुछ शॉप से परचेस किया था, तो वो मैंने यहाँ से ही परचेस किया था ब्रास का। बहुत अच्छा लगता है वो, मतलब वो ना थोड़ा सा घिसने के बाद बहुत अच्छे से चमक जाता है, तो उसके बाद ना बहुत अच्छी शाइन देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको सारी वैरायटी के मिल जाएंगे, और इसका जो नाम है ना राकेश मार्केटिंग नाम है इसका, ये शॉप का। तो पहले ना ये शॉप बहुत छोटी हुआ करती, बहुत छोटी भी नहीं उस टाइम भी बहुत बड़ी थी ये शॉप, बट अभी ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। मतलब इसका एड्रेस चेंज हो गया है, थोड़ा सा आगे ही है, आगे जाके ही है ये शॉप, पूरा मॉल का मॉल ही बन गया है ये, अभी बहुत बड़ी शॉप बन गई है इसकी। तो इसी वजह से अभी तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ये लोग रखने लगे हैं, पहले तो पहले भी बहुत सारी वैरायटी रहती थी इनके पास, अभी ये वाली समय मैंने दो ली है, तो मैं आपको घर पे जाके दिखा दूँगी। ये माही शूट कर रही थी इसी वजह से इतना ज़्यादा हिल रहा है ये, तो उसको ना जल्दबाजी थी, मतलब जल्दी जल्दी उसने शूट किया ये। मैं एक्चुअली वहाँ पर बिल कर रही थी, तो ये ना बातियाँ भिगो के रख रही हूँ मैं एक्चुअली, जब मैं दिवाली के टाइम पे मुझे चाहिए होगी तो उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से बाती ना भिगो के रख दे रही हूँ घी में। आप लोग करते हो या नहीं करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से मैं घी में भिगो के रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे चाहिए तो मैं तुरंत ले पाऊँ, और उसको घी में भिगोने के लिए मतलब टाइम ना लगे। घी में भिगोई हुई रहती ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, तो इसी वजह से मैं पहले ही घी में भिगो के रखती हूँ, वो अच्छे से बैठ भी जाती है। जैसे आप सादी बाती जो रखते हो ना उसमें, जैसे दिया लगाने वाले में, तो वो जल्दी से गिर जाती है, तो ऐसी वाली जैसे घी में भिगो के रखते हो तो वो जल्दी नहीं गिरती है। थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज़र में रख दो उसे, और उसके बाद वो सेट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने ये बाती को भिगो दिया है और इसे बंद करके फ्रीज़र में अभी रख दूँगी। और हाँ, आज मैं मंदिर भी क्लीन करने वाली हूँ, मंदिर मतलब सब कुछ मंदिर का सेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल बैठ गए हैं अपने झूले में, और बस आज मंदिर सब साफ़ कर लूँगी, मतलब मंदिर क्लीन कर लूँगी पूरा, और उसमें जो भगवान वगैरह है उन्हें भी थोड़ा सा वो कर लूँगी, क्या बोलते हैं, दही, और उससे थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी ताकि वो अच्छे से निकल जाते हैं। हमारे भगवान जो होते हैं पीतल के होते हैं, मराठियों के भगवान। और यहाँ पर जब जो सारा सामान है पीतल का वो भी अच्छे से पीताम्बरी से घस लूँगी तो ये चमकने लगता है, और यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा। और अन्नपूर्णा माता जो है बोलते हैं कि अन्न में रखनी चाहिए, मतलब चावल में रखनी चाहिए, कोई भी दाल चावल ऐसे, तो मैं चावल में रखती हूँ। तो इस तरह से मैं एक कटोरी में रखती हूँ, तो एक कटोरी में चावल लेती हूँ, उसके बाद उसमें मेरी अन्नपूर्णा माता को बिठा देती हूँ, तो इस तरह से मेरी अन्नपूर्णा माता बैठ जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से मैं करती हूँ, और बस आज मंदिर भी सेट हो जाएगा। और मंदिर का पूरा एक्चुअली ये ना कपड़ा मैंने डाला था यहाँ पे, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो बाद में मैंने ना कपड़े को निकाल दिया था। तो ये कपड़ा मुझे ना अजीब लग रहा था यहाँ पे, मतलब था तो वो अच्छा, बट उसके साइज़ का मुझे सिलना है, तो ये कैसे सीढ़ी, मतलब जो स्टेप्स है ना वो थोड़ी सी इधर से भी है उधर से भी है, तो इसी वजह से वो ना अच्छे से लग नहीं रहा था, तो मैंने स्टेप्स के ऊपर का कपड़ा निकाल दिया, उसके बाद वैसे ही रखा है। तो यहाँ पर मैंने ये रखा है, क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान का झूला रखा है, इधर मैंने गणपति रखे है ये, और जो मैं मंदिर के लिए मूर्तियाँ देखने गई थी ना तो वो यहाँ पर ही रखने के लिए देखने गई थी, तो जब लेके आऊँगी तब वहाँ पर रख दूँगी। तो ये हो गया है मेरा मंदिर रेडी, आप देख सकते हो, और उसके अंदर इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। अब ना मेरी पूजा भी हो गई है यहाँ पे, मतलब बस अभी जो ये है मैं गणपति स्तोत्र पढ़ती हूँ, तो गणपति स्तोत्र पढ़ना बाकी है और आरती बाकी है मेरी, तो मेरी आज पूजा भी हो गई है जल्दी से, नेक्स्ट डे का था ये सब कुछ। तो यहाँ पर कछुआ है, और यहाँ पर मेरे सारे भगवान हैं, ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है। तो एक्चुअली मैं ना मंदिर टूर ना आपको बाद में दूंगी, क्योंकि वो ड्रॉर्स वगैरह में क्या क्या रखा है मैंने, मेरे पास कौन से भगवान मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो ये सारा मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। एक फुल मंदिर टूर आएगा आपके लिए, मैंने ड्रॉर में क्या क्या रखा है मेरे
मतलब कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है भगवान के मंदिर के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बट आप अभी ऐसे ही लुक देख लीजिए मेरे मंदिर का, इस तरह से मैंने यहाँ पर रखा है, मतलब मंदिर में ये सारी चीज़ें रखी है। तो आप ये फुल लुक अभी देख लीजिए, जब मंदिर टूर आएगा तब आपको पता चलेगा किस किस तरह से मैंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ रखी है। तो बस इस तरह से यहाँ पर हो गया है मेरा मंदिर मतलब सेट, और मुझे फाइनली अच्छा लग रहा है कि यार मेरा मंदिर सेट हो गया है। और हाँ, दिवाली ब्लॉग भी जल्दी से आएगा आपके लिए, क्योंकि दिवाली के बाद ही मैं एडिट कर रही हूँ, तो दिवाली ब्लॉग जल्दी से आएगा। और दिवाली के बाद ना मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं यार, तो इसी वजह से मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ और एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मासी वगैरह आई है, तो थोड़ा सा मैं उसी में बिजी हूँ, तो इसी वजह से समझ जाइएगा कुछ ब्लॉग्स बाकी है पहले के, तो वो पहले एडिट करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ मेरा दिवाली ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं गणपति स्तोत्र पढ़ रही हूँ। एक्चुअली कौन कौन गणपति स्तोत्र पढ़ता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं डेली गणपति स्तोत्र पढ़ती हूँ। एक्चुअली मेरा तो वैसे ही मतलब याद हो चुका है, बट अभी दिख गया था मुझे गणपति स्तोत्र ऊपर, तो मैं ये पढ़ने लग गई थी। पूरी मतलब जो बुक्स है वो पूरी निकाल के मैंने यहाँ पर ड्रॉअर्स में सजा दी थी पूरी, तो इस वजह से गणपति स्तोत्र अगर ऊपर दिख गया था तो मैंने हाथ में ले लिया, अभी उसको देख के ही पढ़ रही हूँ। वैसे मुझे याद है पूरा गणपति स्तोत्र, और ये जो समय है वो मैंने लाई है न्यू, और वो जो आपको बछड़ा और वो गाय दिख रही है पीछे, आपको दिखा देती हूँ, तो वो भी मैंने न्यू लाई है। तो ये है मेरी पीतल की शॉपिंग इस बार की दिवाली की, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ये वाली समय वगैरह लेने के लिए, बट इस साल लेके आई हूँ। और ये गाय और बछड़ा ये तो मैंने आपको शॉप में ही दिखा दिया था, तो ये लाया है न्यू। इसकी पूजा करी जाती है मतलब गाय गोरे के बारस के दिन। और यहाँ पर जो बेसिन है उसको भी क्लीन कर रही हूँ, एक्चुअली ये रात का है, इसको क्लीन करना ही बाकी था, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था ये, क्योंकि वो लोग जब काम कर रहे थे ना तो इसी का यूज़ कर रहे थे ज़्यादातर, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो इसको मैंने क्लीन कर लिया। आप देख सकते हो ये पूरा कवर निकाल दिया, इसको मैंने क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर मिरर लगाना बाकी है, तो मिरर भी लगा दूँगी यहाँ पर। और उसके बाद ये भी थोड़ा सा बाथरूम इनको भी क्लीन करना था, तो इसी वजह से ग्लव्स पहन रहे थे, ये तो ग्लव्स नहीं पहनते हैं ना, इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है हाथों को। तो कोई भी चीज़ ना, जब भी आप क्लीनिंग वगैरह करो ना, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको कि यार ग्लव्स पहना करो, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, नहीं तो और हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। वो देख रहे थे कि इस पर मतलब कवर चढ़ा है या नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा कवर है उस पर, इसी वजह से बाद में कवर निकाल देंगे, जो पॉलिथीन होती है बाद में निकाल देंगे। मैं ऊपर से ही क्लीन कर रही हूँ थोड़ा सा उसे, और जो बेसिन है उसको भी क्लीन कर रही हूँ। ये जो यहाँ पर ब्रश वगैरह रखने वाला था ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था यार, साथ साथ मैंने ये भी क्लीन कर लिया। और बस यहाँ पर इन्होंने कुछ सब्जियाँ लाई थी, तो वो मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ, तो वो फ्रिज में रख दूँगी। और चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसके बाद और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।